नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में आपनुं स्वागत छे। आज आपणे जोई रह्या छीए धोरण 9 विषय छे हिंदी, जेनो पाठ छे त्रीजो, क्या निराश हुआ जाए, जेना स्वाध्यायना प्रश्न अने जवाबनुं सोल्यूशन जोवाना छे। एथी पहेला जो आप अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनल सब्सक्राइब करो, विडियो ने लाइक करो, मित्रों साथे शेर करो अने बेल नोटिफिकेशन ऑन करो के जेथी आपने अमारा तमाम नवा विडियोजनी अपडेट मळती रहे। तो चालो जोईए धोरण 9 विषय हिंदी जेनो पाठ छे 3, क्या निराश हुआ जाए, एना स्वाध्यायना प्रश्न ने जवाबनुं सोल्यूशन आपणे जोई रह्या छीए। पहेलो प्रश्न जोईए तो निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जेनो पहेलो प्रश्न छे के आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। एनो जवाब जोईए तो आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। बीजो प्रश्न, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। प्रश्न 3, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। प्रश्न 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है। मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। भारतवर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। प्रश्न 7, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा है। बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्य में उत्तर लिखिए। जेनो पहलो प्रश्न छे के लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है। तो इनो जवाब जो है तो आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पुरुष रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। प्रश्न बीजो जो है, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी का और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। प्रश्न 3, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है। देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। उनका यही लक्ष्य है कि कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति और अधिक उन्नत और सुचारू बनाए जाए। प्रश्न 4, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। तो कविवर रविंद्र ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो, इससे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तीनों पहलू छे कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। इन जवाब में जो है तो हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। प्रश्न बीजो जो है, प्रश्न 2, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियां आई और यहाँ बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहाँ के होकर रह गए।
इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृति का घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। प्रश्न त्रण जो है, तो धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो एनो जवाब आपणे जोईए तो शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों का संयम रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोक सकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न चार, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? एक बार लेखक सहपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान में लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भूख और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर ने लेखक के बच्चे के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। प्रश्न चार जो है, तो मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जेमा पहलो मुहावरो छे मन बैठना तो उदास होना, अने इन वाक्य बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया है। बीजू फलना फूलना तो विकसित होना, समृद्ध होना, इन वाक्य जो है, तो महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। तीजू चेहरे पर हवाया उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना, इन वाक्य छे लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाया उड़ने लगी। पछी पर्दाफाश करना तो भेद खोलना, चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश किया। अगर पछिन जो है तो ढाढस बांधना, बंधाना तो सात्वना देना, तसली देना। गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ढाढस बंधाया। पछिन जो है तो कातर ढंग से देखना तो भयभीत होकर देखना। सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। अगर जो है शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए, तो शब्द समूह छे कि धर्म से डरने वाला तो धर्म भीरु, मिलन की भूमि तो मिलन भूमि, सुख देने वाला सुखद। अगर जो है तो प्रश्न पांच विशेषण बनाइए, तो भारत तो भारतीय, समाज सामाजिक, क्रोध क्रोधी, समय सामयिक, धर्म धार्मिक। प्रश्न छ जो है भाववाचक बनाइए, डाकू डकेती, आदमी आदमियत, बहुत बहुतायत, सभ्य सभ्यता, मानव मानवता। प्रश्न सात जो है तो विरोधी शब्द, ईमानदार तो बेईमान, भ्रष्टाचार तो सदाचार, आंतरिक बाह्य अने सबल तो निर्बल। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे आ पाठनुं सोल्यूशन पूर्ण करीए छीए। खूब खूब धन्यवाद।